वेलकम टू माई स्वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो आज की मेरी टॉपिक है साइकोलॉजी या एजुकेशन शिक्षा शास्त्र, दोनों में ये टॉपिक आते हैं। यदि आप मनोविज्ञान से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यदि शिक्षा शास्त्र से पीजीटी की तैयारी कर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए यूपी टेट सी टेट सुपर टेट बहुत सारे एग्जाम के लिए जो है व्यक्तित्व पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की मेरी टॉपिक है पर्सनालिटी। हाँ गाइस, क्या है पर्सनालिटी? पर्सनालिटी के बारे में बहुत ही इंक्लूड करने वाली हूँ। इससे पहले पर्सनालिटी पे रिलेटेड मेरी वीडियो बनी हुई है, उस पर जो है इसके डेफिनेशन पे मैं ट्रिक बना चुकी हूँ, जो कि बहुत ही ईजी दो लाइन में सारे डेफिनेशन साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग आप लर्न कर लोगे। चलिए देखते हैं, पहले हम पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं, फिर इसके बाद आगे आपको बताएंगे। तो आगे पहले कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। बिल्कुल माइंड फ्रेश करके केयरफुल होकर आप ध्यान से सुनेंगे। हम कहीं से कंटेंट को कलेक्ट करते हैं और आपको अंडरस्टूड कराने की कोशिश करते हैं कि आपको टॉपिक प्रोवाइड करें अच्छी तरह से। आ जाते हैं, ये रही मेरी टॉपिक। यहाँ पे एक व्यक्ति के जो इंटरनल एक्सटर्नल जो है स्वरूप के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं। एक जो पर्सन है उसके पर्सनालिटी पर जन्मजात गुणों एवं इन्वायरमेंट दोनों को इफेक्ट पड़ता है उसके, और एक पर्सन है जो उसके पर्सनालिटी को हेरिडिटी फैक्टर्स की अपेक्षा इन्वायरमेंटली फैक्टर्स अधिक जो है इफेक्टिव करता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति है जो पर्सनालिटी उसकी है वाह है गुणों की अपेक्षा आंतरिक गुण जो है इंटरनल की अपेक्षा एक्सटर्नल अधिक जो है इफेक्टिव होती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा से ट्रिकली बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपका कमेंट रहेगा तो मैं अपनी जो है पहले की वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में, 1.5 साल पहले की है जब टेट सुपर टेट की तैयारी करा रहे थे, तो काफ़ी दिन हो गया मेरा चैनल बंद पड़ा था, इसलिए मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक मैं गाइज वो वीडियो नहीं बना पाई, प्रोवाइड नहीं कर पाई अपने सब्सक्राइबर को। तो होता है ना कि जब ज़्यादा काफ़ी दिन हो जाता है तो सब्सक्राइबर जो है कीप साइलेंट पड़ जाते हैं, तो वीडियो जैसे ही अपलोड करती हूँ तो व्यूज़ नहीं आते हैं। अफकोर्स मुझे कोई इसका टेंशन नहीं है, धीरे धीरे तो वीडियो वायरल होगी, लोग देखेंगे, इसका बेनिफिट उठाएंगे फ्री। अफकोर्स इसकी में मुझे खुशी है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाए थे, व्यूज़ नहीं आते थे, बट आज अच्छे खासे व्यूज़ हैं, तो इसी पर उम्मीद है मुझे। आ जाते हैं वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर्सनालिटी का डेफिनेशन वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। व्यक्ति के व्यवहार के समूचा गुण का मतलब होता है समग्र विशेषता, उसका व्यक्तित्व है। तो ये चीज़ हम बांड करते चलेंगे, जो चीज़ हमारा कीवर्ड है, हर डेफिनेशन में आप कीवर्ड को बांड करके रख लेंगे, ठीक। आ जाते हैं अल्पोर्ट के अकॉर्डिंग, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति में उन शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ क्या करता है, अद्वितीय समायोजन को निश्चित करता है। गाइस अद्वितीय, तो हम यहाँ पे जो है जो हमारा कीवर्ड है कैच करते हैं, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है शारीरिक गुण और एक अद्वितीय समायोजन। एक सेकेंड, फिर से कीवर्ड को हम सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ए रहा, यहाँ पे देखेंगे अद्वितीय समायोजन। नेक्स्ट देखेंगे मन की अकॉर्डिंग व्यक्तित्व की परिभाषा जो है, अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में की जा सकती है, जिसमें जो है व्यक्ति की स्ट्रक्चर संरचना बिहेवियर के ढंग से रुचियाँ अभिवृत्तियाँ और क्षमताएँ योग्यताएँ के रुझान को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारे किसी न किसी के डेफिनेशन में अवश्य ही आएगा। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमारा क्या है कीवर्ड, आप भी सेलेक्ट कर चुके ही होंगे। तो अति विशेषतापूर्ण किसने दिया है, मन ने दिया हुआ है, तो वो भी विशेषतापूर्ण किस पे इफेक्ट है, स्ट्रक्चर क्या है गाइस, स्ट्रक्चर बिहेवियर के ढंग रुचियाँ विवृत्तियाँ क्षमताएँ योग्यताएँ और रुझान सम्मिलित हैं।
गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के गुणों का समन्वय है, तो हमारा की वर्ड है गाइस समन्वय। नेक्स्ट है वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग जो है व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति का योग है, तो इन्होंने अर्जित और जन्मजात प्रवृत्ति को बताए हुए हैं, तो हम चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट है विग एवं हंट, व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में जो है अभिव्यक्त होता है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो है हमारा कीवर्ड है। आई होप आप भी सेलेक्ट कर चुके होंगे, तो अभिव्यक्त को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। होता है व्यक्ति द्वारा ड्रेबर के अकॉर्डिंग जो है व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक मानसिक और नैतिक सामाजिक गुणों को सुसंगठित गत्यात्मक संगठन के लिए जो है किया जाता है, जिससे जो है अन्य व्यक्तियों के साथ जो है सामाजिक जीवन में को आदान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो है देना लेना आदान प्रदान करना, ये चीज़ ड्रेबर ने अपनी सामान्य किसी को क्या करते हैं बार बार आदान प्रदान करते हैं। तो जिस कीवर्ड जो कि किसी में दोहराया रिपीट नहीं किया गया है वही चीज़ है, तो ये हमारा क्या है ट्रिकली आप कहेंगे तो हम आपको एक क्या करेंगे वीडियो बनाएंगे और डेफिनेशन पे बिल्कुल क्या ट्रिक के बेस पे आप बिल्कुल लर्न कर लोगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक डेफिनेशन नीचे छूटा था, वेरिंग के अकॉर्डिंग वातावरण के साथ सामान्य अस्थाई समायोजन ही व्यक्तित्व तो है, तो यहाँ पे कभी बदलने वाला समायोजन न हो तो अस्थाई वही चीज़ है। देखेंगे अब विशेषता इसके का है पर्सनालिटी की जो है प्राकृतिक विशेषता व्यक्तित्व तो एक जो है आत्मचेतन है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व तो एक गत्यात्मक है, व्यक्तित्व मनोदैहिक सुसंगत संरचना है, व्यक्तित्व एक प्रकार का समायोजन है, व्यक्तित्व परस्पर की क्रियाफल है। अब इसके टाइप्स गाइस देखते हैं, टाइप्स ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सबके अलग अलग टाइप्स हैं, तो आपको हम अलग अलग टाइप्स लोगों के अकॉर्डिंग जरूर देंगे वीडियो, बट यहाँ पे कुछ शॉर्ट में है। व्यक्तित्व के प्रकार भारतीय आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने पहले आयुर्वेद को डिफाइन किया गया है, तो अ का वाता वात प्रधान, सतोगुड़ी रजोगुड़ी तमोगुड़ी, यहाँ पे तीन प्रकार वैसे बताया गया इनके अकॉर्डिंग गाइस। तो आप देख सकते हैं सत्तो में क्या होता है चंचल होते हैं, स्फूर्ति इनके अंदर जो है गाइस मान सामाजिक उदारवादी होते हैं। रजोगुण में पित्त प्रधानता इसमें होती है, आलसी सुस्त टाइप के संवेगात्मक रूप मजबूत एवं आनंद युक्त होते हैं रजोगुणी वाले। तमो वाले कप प्रधानता होती है इनमें, और इसमें क्या वात की प्रधानता सतोगुण में होता है, ध्यान दे सतोगुण में वात की प्रधानता होती है, रजो में पित्त होता है और इसमें कफ होता है तमो में, ठीक है ये चीज़ सेलेक्ट करके रखेंगे। पतले दुबले कमज़ोर चिड़चिड़ेपन स्वभाव के होते हैं। आ जाते हैं